नमस्कार दोस्तों, आरआर रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के चटपटे पापड़। आलू के चटपटे पापड़ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। चलिए, आलू के पापड़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये देखिए। आलू के चटपटे पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील करके बॉयल कर लिया है। एक चम्मच हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने साफ पानी से धो लिया और बारीक काट लिया है। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार। आधा छोटी चम्मच जीरा लिया है। एक चम्मच ऑयल लिया है। एक चुटकी हींग ली है। चलिए चटपटे पापड़ बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे इस तरह, ये देखिए। इस तरह हमने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया, ये देखिए। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मसल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस से आलू में थोड़ा गुंटली सी नहीं रहती है, ये देखिए। आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम मसाले मिलाना शुरू करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, चुटकी हींग, जीरा और ये हरा धनिया। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके पापड़ बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोई बनाएंगे। पापड़ के लिए हमने हाथ पर ऑयल लगा लिया है इस तरह। छोटे छोटे बॉल्स लेंगे, हम इसकी लोई बना देंगे इस तरह, ये देखिए। अब इसको हम रखते जाएंगे, सभी लोइयों को बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं हाथ में। हमने सभी लोइयां बना ली हैं, ये देखिए। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये चकरा लिया है और ये पॉलीथिन ली है। इस पर मैं इस साइड तेल लगाऊंगी इस तरह, ये देखिए। पापड़ हमारा चिपकेगा नहीं और आसानी से छूट जाएगा, ये देखिए। अब हम इस तरफ भी ऑयल लगा लेंगे, दोनों साइडों से हमें ऑयल लगाना है। अच्छी तरह से करनी को हमें अब इस पर हम एक ये लोई लेंगे, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हाथ के तेवी से दबा देंगे और इस पर इसको पन्नी को हम पलट लेंगे और इसको हाथ की सहायता से ऐसे दबा को लगाते हुए पापड़ को ऐसे करके हमको इस तरह, ये देखिए। अंगूठे से भी बना सकते हैं हम। ये देखिए पापड़ हमारा बन गया है। अब इसको हम धीरे धीरे छुटाएंगे पनीर से, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर दूसरी पन्नी ली है, बिछा ली है। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन पन्नी पे आसानी रहेगा और सूखने में भी पापड़ हमारे आसानी से सूख जाएंगे। इस तरह हम इसको पलट लेंगे और इसको आसानी से इसकी तरह, ये देखिए। पापड़ हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपका है पन्नी पे और छूट भी गया आराम से। अब इस तरह हम बाकी पापड़ को बना लेंगे, ये देखिए। इससे पापड़ हमारा जल्दी भी बन जाएगा। अब इसको भी हम डाल देंगे। ये देखिए पापड़ हमारे चार से पांच बन चुके हैं। अब बाकी पापड़ को भी बना के तैयार करेंगे हम। इस तरह सभी पापड़ हमारे बन के तैयार हैं, ये देखिए। अब इन्हें हम 5 से 6 घंटे पंखे की हवा में या धूप में सुखा लेंगे।
आलू के पापड़ हमारे सूख के तैयार हैं। पापड़ को हमने 5 से 6 घंटे सुखा लिया है। ये पापड़ हमारे खराब नहीं होंगे, ये लंबे समय तक चलेंगे। अब इनको हम किसी बर्तन में भर के रख दें। जब आपकी इच्छा हो पापड़ खाने का, तब आप पापड़ निकाल के सेक के खा सकते हैं। पापड़ हमारे सूख के तैयार है। अब हम ऑयल गरम करेंगे पापड़ को सेकने के लिए। गैस ऑन करेंगे, ऑयल को गरम होने देते हैं। इसके बाद हम पापड़ सेकना शुरू करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम पापड़ सेकना शुरू करेंगे। याद रहे ऑयल हमारा पूरी तरह से गरम होना चाहिए। अब पापड़ को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो पापड़ का स्वाद खराब हो जाएगा। इस तरह इसको पलटते रहें। पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे सिके हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल पतले भी हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। अब ये देखिए इस तरह। आप इन पापड़ को ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप इस पापड़ को बना के खिला सकते हैं। ये पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें ज़रूर बताइएगा हमारे आलू के चटपटे पापड़ कैसे बने। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।